मेरी आवाज मिल रही है? मिल रही है आवाज? हाँ बिल्कुल ठीक है, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नए साल की मुबारकबाद कबूल कीजिए। क्या कहूँ, तबीयत नासाज चल रही है, लेकिन इम्तियाज दानिश का इसरार था कि अच्छा सिलसिला शुरू किया है। इम्तियाज ने तारीखी काम किया है, कम अज कम इसी बहाने आप लोगों से रूबरू तो हो गए, वरना इस हाल में कहाँ आपसे मुखातिब हो पाते। कुछ गजलें आपके समाअत हैं। गजल का मतला है कि कैसे छुपाता जख्मों को हाजरीन से, कैसे छुपाता जख्मों को हाजरीन से, कतरा टपक रहा था खुद आस्तीन से, कतरा टपक रहा था खुद आस्तीन से, कैसे छुपाता जख्मों को हाजरीन से, कतरा टपक रहा था खुद आस्तीन से। और शेर अर्ज किया है कि कुछ इम्तियाज दूरी का अब ना रह गया, कुछ इम्तियाज दूरी का अब ना रह गया, तस्वीर खींच लेते हैं दूरबीन से, तस्वीर खींच लेते हैं दूरबीन से। और शेर अर्ज है कि एक रोज गर्क कर देगा कायनात को, एक रोज गर्क कर देगा कायनात को, दरिया उबल रहा है शाखे यकीन से, दरिया उबल रहा है शाखे यकीन से, एक रोज गर्क कर देगा कायनात को, दरिया उबल रहा है शाखे यकीन से। और शेर है कि हैरत में पड़ ना जाएं क्यों लोग देख कर, हैरत में पड़ ना जाएं क्यों लोग देख कर, पौधा उगा रहा हूँ बंजर जमीन से, पौधा उगा रहा हूँ बंजर जमीन से, हसरत में पड़ ना जाएं क्यों लोग देख कर, पौधा उगा रहा हूँ बंजर जमीन से। आखिरी शेर है कि ईमान बेचता हूँ कौड़ी के मोल में, ईमान बेचता हूँ कौड़ी के मोल में, डरता नहीं है कोई शरहे मतीन से, डरता नहीं है कोई शरहे मतीन से। मकता है कि कुर्बान थक गया है तू चीख चीख कर, कुर्बान थक गया है तू चीख चीख कर, ये घर तो लग रहा है खाली मकीन से, ये घर तो लग रहा है खाली मकीन से। कैसे छुपाता जख्मों को हाजरीन से, कतरा टपक रहा था खुद आस्तीन से। दूसरी गजल का मतला है, ढा रहा था कहर अपना आसमानी कुछ न कुछ, ढा रहा था कहर अपना आसमानी कुछ न कुछ, मिल रही है आज भी उसकी निशानी कुछ न कुछ, मिल रही है आज भी उसकी निशानी कुछ न कुछ, ढा रहा था कहर अपना आसमानी कुछ न कुछ, मिल रही है आज भी उसकी निशानी कुछ न कुछ। शेरज किया है कि खामोशी लेकिन कहाँ की इख्तियार उसने कभी, खामोशी लेकिन कहाँ की इख्तियार उसने कभी, शाम गम लिखती रही अपनी कहानी कुछ न कुछ, शाम गम लिखती रही
अपनी कहानी कुछ न कुछ खामोशी, लेकिन कहाँ की इख्तियार उसने कभी शाम गम लिखती रही अपनी कहानी कुछ न कुछ। और शेर है कि जब जरासीमी हवाएं हर तरफ चलने लगीं, जब जरासीमी हवाएं हर तरफ चलने लगीं, कैसे दिखलाई कहीं दे रंग धानी कुछ न कुछ, कैसे दिखलाई कहीं दे रंग धानी कुछ न कुछ। शेर है कि आज मौसम ने न जाने कौन सा बदला है रूप, आज मौसम ने न जाने कौन सा बदला है रूप, हो रहा है हर तरफ नुकसान जानी कुछ न कुछ, हो रहा है हर तरफ नुकसान जानी कुछ न कुछ। शेर है कि खुश्क साली यूं नहीं फैला रही है अपना पैर, खुश्क साली यूं नहीं फैला रही है अपना पैर, इन दिनों है मौसमों की मेहरबानी कुछ न कुछ, इन दिनों है मौसमों की मेहरबानी कुछ न कुछ। शेर क्या है कि आदमी को चाहिए गम से भी घबराना नहीं, आदमी को चाहिए गम से भी घबराना नहीं, आती रहती है बलाए नागहानी कुछ न कुछ, आती रहती है बलाए नागहानी कुछ न कुछ। और आखिरी शेर है कि हर तरफ बिखरी हुई है फर्श पर कोहरे की धुंध, हर तरफ बिखरी हुई है फर्श पर कोहरे की धुंध, कैसे करती सुबह गुल की पासबानी कुछ न कुछ, हर तरफ बिखरी हुई है फर्श पर कोहरे की धुंध, कैसे करती सुबह गुल की पासबानी कुछ न कुछ। ढा रहा था कहर अपना आसमानी कुछ न कुछ, मिल रही है आज भी उसकी निशानी कुछ न कुछ। गजल का मतलब पेश खिदमत है कलम से अपने रौंद गया वो क्यों कर मासूमी चेहरा, कलम से अपने रौंद गया वो क्यों कर मासूमी चेहरा, वक्त भी आंसू बहा रहा था देख के मजलूमी चेहरा, वक्त भी आंसू बहा रहा था देख के मजलूमी चेहरा, कलम से अपने रौंद गया वो क्यों कर मासूमी चेहरा, वक्त भी आंसू बहा रहा था देख के मजलूमी चेहरा। शेर अर्ज है कि आँख से मोती क्यों न गिरे अब देख के गुलशन की हालत, आँख से मोती क्यों न गिरे अब देख के गुलशन की हालत, देखा नहीं था ऐसा कभी फूलों का मगमूमी चेहरा, देखा नहीं था ऐसा कभी फूलों का मगमूमी चेहरा, आँख से मोती क्यों न गिरे अब देख के गुलशन की हालत, देखा नहीं था ऐसा कभी फूलों का मगमूमी चेहरा। शेर समाज फरमाए कि एक मुद्दत से लगा रहा हूँ एड़ी चोटी का मैं जोर, एक मुद्दत से लगा रहा हूँ एड़ी चोटी का मैं जोर, कहाँ सितारों जैसा हुआ था बिंदा मकसूमी चेहरा, कहाँ सितारों जैसा हुआ था बिंदा मकसूमी चेहरा,
एक मुद्दत से लगा रहा हूँ एड़ी चोटी का मैं जोर, कहाँ सितारों जैसा हुआ ताबिंदा मकसूमी चेहरा। शेर अर्ज किया है कि ऐसा अनोखा नजारा भी देखा किसी ने था ही कहाँ, ऐसा भी अनोखा नजारा भी देखा किसी ने था ही कहाँ, देख के हैरत में सब हैं पानी पर मरहूमी चेहरा, देख के हैरत में सब हैं पानी पर मरहूमी चेहरा, ऐसा अनोखा नजारा भी देखा किसी ने था ही कहाँ, देख के हैरत में सब हैं पानी पर मरहूमी चेहरा। शहर के हाकिम का अपना दस्तूर यही था सुबह शाम, शहर के हाकिम का अपना दस्तूर यही था सुबह शाम, दरवाजे दरवाजे लिए फिरता था महकूमी चेहरा, दरवाजे दरवाजे लिए फिरता था महकूमी चेहरा। और शेरज किया है कि खुद ही रोशन हो जाता है आँखों की अंगनाई में, खुद ही रोशन हो जाता है आँखों की अंगनाई में, छुपता नहीं है छुपाने से भी कोई मजहूमी चेहरा, छुपता नहीं है छुपाने से भी कोई मजहूमी चेहरा। टपक रहा था नूरे ईमा पेशानी की लकीरों से, टपक रहा था नूरे ईमा पेशानी की लकीरों से, सबकी आंखें हो गई रोशन देख के मखदूमी चेहरा, सबकी आंखें हो गई रोशन देख के मखदूमी चेहरा। मक्ता का शेर है कि बंद लिफाफे का मजमून पढ़ा था मैंने भी आतिश, बंद लिफाफे का मजमून पढ़ा था मैंने भी आतिश, दस्तावेजी कोई नहीं था सब था महूमी चेहरा, दस्तावेजी कोई नहीं था सब था महूमी चेहरा, कलम से अपने रौंद गया वो क्यों कर मासूमी चेहरा, वक्त भी आंसू बहा रहा था देख के मजलूमी चेहरा। शुक्रिया। किसका गजल हो गई ना? हाँ तो शुक्रिया अदा कर दीजिए। किसका किसका नाम लिखा हुआ बाकी जो मैं कमेंट नहीं पढ़ पा रहा हूँ, मैं कमेंट नहीं पढ़ पा रहा हूँ ऐसे नीरज सिंह, अजहर रसूल साहब, रविशंकर जी, मशकूर आलम, खुर्शीद सेहर, यूसुफ फलाही, मुस्तहसन अजम, सरफराज असहर, अजहर रसूल, मैं तमाम का शुक्रिया अदा करता हूँ। मतला कश्य समात फरमाए कि जो रूह दफन हुई है गुबार के अंदर, जो रूह दफन हुई है गुबार के अंदर, वो अब भी चीख रही है गुबार के अंदर, वो अब भी चीख रही है गुबार के अंदर, जो रूह दफन हुई है गुबार के अंदर, वो अब भी चीख रही है गुबार के अंदर। शेरज किया है
कि यकीन आए तो उसको कुरेद कर देखो, यकीन आए तो उसको कुरेद कर देखो, लहू की काई जमी है गुबार के अंदर, लहू की काई जमी है गुबार के अंदर, यकीन आए तो उसको कुरेद कर देखो, लहू की काई जमी है गुबार के अंदर। अगला शेर है, समाप्त करें, कि जमी से फूट रहे हैं आताप के शोले, जमी से फूट रहे हैं आताप के शोले, एक ऐसी साख उगी है गुबार के अंदर, एक ऐसी साख उगी है गुबार के अंदर, जमी से फूट रहे हैं आताप के शोले, एक ऐसी साख उगी है गुबार के अंदर। और शेर है कि बस अब निकलने की देर है तुम्हें बाहर, बस अब निकलने की देर है तुम्हें बाहर, हर एक चीज छुपी है गुबार के अंदर, हर एक चीज छुपी है गुबार के अंदर, और तमाम उम्र जो मजहब का गीत गाता रहा, तमाम उम्र जो मजहब का गीत गाता रहा, उसी की बात बनी है गुबार के अंदर, उसी की बात बनी है गुबार के अंदर। आखिरी शेर है कि ये किसके खौफ से शामो सहर के दाने को, ये किसके खौफ से शामो सहर के दाने को, छुपाने चिड़ियां चली है गुबार के अंदर, ये किसके खौफ से शामो सहर के दाने को, छुपाने चिड़िया चली है गुबार के अंदर। और मकता है कि नमाज इश्क से रिश्ता जिसे रहा आतिश, नमाज इश्क से रिश्ता जिसे रहा आतिश, हमेशा खुश भी वही है गुबार के अंदर, हमेशा खुश भी वही है गुबार के अंदर, जो रूह दफन हुई है गुबार के अंदर, वो अब भी चीख रही है गुबार के अंदर। गजल का मतला समात फरमाए कि एक पोशीदा कहानी मेरी जंजीर में है, एक पोशीदा कहानी मेरी जंजीर में है, और तो कुछ भी नहीं दर्द की तासीर में है, और तो कुछ भी नहीं दर्द की तासीर में है, एक पोशीदा कहानी मेरी जंजीर में है, और तो कुछ भी नहीं दर्द की तासीर में है। और शेर अर्ज किया है कि कहाँ अंदाजा लगाया है किसी ने अब तक, कहाँ अंदाजा लगाया है किसी ने अब तक, जाने क्या क्या ननिहां साजिशे तनवीर में है, जाने क्या क्या ननिहां साजिशे तनवीर में है। और शेर है कि लफ्ज के जिस्म से क्या फूट रहा है चश्मा, लफ्ज के जिस्म से क्या फूट रहा है चश्मा, कितनी मखमूर फिजा निकहते तहरीर में है, कितनी मखमूर फिजा निकहते तहरीर में है, लफ्ज के जिस्म से क्या फूट रहा था फूट रहा है चश्मा, कितनी मखमूर फिजा
निकहते तहरीर में है, और शेर है कि कुछ पता मुझको नहीं कौन सी मंजिल में हूँ, कुछ पता मुझको नहीं कौन सी मंजिल में हूँ, क्या मेरी ज़ात ही इस खेमे तस्वीर में है, क्या मेरी ज़ात ही इस खेमे तस्वीर में है, राज सरबस्ता ये मुझ पर न खुला है अब तक राज सरबस्ता ये मुझ पर न खुला है अब तक, कौन सा लुत्फ तेरे साये तहकीर में है, कौन सा लुत्फ तेरे साये तहकीर में है, ज़हन दिल पर है अभी जिसके तबस्सुम का असर, ज़हन दिल पर है अभी जिसके तबस्सुम का असर, कैसी खुशबू का मज़ा गुंचे तामीर में है, कैसी खुशबू का मज़ा गुंचे तामीर में है। मक्ता है कि और देखा न गया कत्ल का मौसम आतिश, और देखा न गया कत्ल का मौसम आतिश, दर्द की आग ही बेताब ये शमशीर में है, दर्द की आग ही बेताब ये शमशीर में है, एक पोशीदा कहानी मेरी जंजीर में है, और तो कुछ भी नहीं दर्द की तासीर में है। वो गजल बहुत देर हो गई, कबल की गजल है, पढ़ ली एक तो बदलाव पढ़ते गजल का मतला समात फरमाए कि तू कहाँ जा रही है रोशनी धीरे धीरे, तू कहाँ जा रही है रोशनी धीरे धीरे, रूठ जाएगी मुझसे हर खुशी धीरे धीरे, रूठ जाएगी मुझसे हर खुशी धीरे धीरे, तू कहाँ जा रही है रोशनी धीरे धीरे, रूठ जाएगी मुझसे हर खुशी धीरे धीरे। शेरज क्या है कि चेहरे का रंग भी मैं भूलता जा रहा हूँ, चेहरे का रंग भी मैं भूलता जा रहा हूँ, वो मेरे जहन पर बिजली गिरी धीरे धीरे, वो मेरे जहन पर बिजली गिरी धीरे धीरे, चेहरे का रंग भी मैं भूलता जा रहा हूँ, वो मेरे जहन पर बिजली गिरी धीरे धीरे। और शेर अर्ज किया है कि शहर जंगल में क्या तब्दील होने वाला है, शहर जंगल में क्या तब्दील होने वाला है, हर तरफ बढ़ रही है बेघरी धीरे धीरे, हर तरफ बढ़ रही है बेघरी धीरे धीरे। शुक्रिया सलीम अंसारी साहब, नवाजिश। अगला शेर है कि कुछ पता ही नहीं ये किसकी आमद हुई है, कुछ पता ही नहीं कुछ पता ही नहीं ये किसकी आमद हुई है, घर की हर चीज रोशन हो गई धीरे धीरे, घर की हर चीज रोशन हो गई धीरे धीरे। शेर अर्ज किया है कि खिड़कियाँ चीखती हैं बाम उधर चीखते हैं, खिड़कियाँ चीखती हैं बाम उधर चीखते हैं, बढ़ गई
वो हवा की सरकशी धीरे धीरे बढ़ गई, वो हवा की सरकशी धीरे धीरे। खिड़कियां चीखती हैं, बाम उधर चीखते हैं, बढ़ गई वो हवा की सरकशी धीरे धीरे। आखिरी शेर है कि क्या कदम गर्द आलूदा पड़े आसमां पर, क्या कदम गर्द आलूदा पड़े आसमां पर, नखल महताब पर मिट्टी जमी धीरे धीरे, नखल महताब पर मिट्टी जमी धीरे धीरे। अब मक्ता का शेर है, मुलाहजा करें कि क्या हुई धूप की बरसात आंगन में आतिश, क्या हुई धूप की बरसात आंगन में आतिश, जिस्म को मिल रही है ताजगी धीरे धीरे, जिस्म को मिल रही है ताजगी धीरे धीरे। क्या हुई धूप की बरसात आंगन में आतिश, जिस्म को मिल रही है ताजगी धीरे धीरे। तू कहाँ जा रही है रोशनी धीरे धीरे, रूठ जाएगी मुझसे हर खुशी धीरे धीरे। शुक्रिया अदा करते भाई सलीम अंसारी साहब को, बहुत बहुत शुक्रिया। और लोग हाँ, और लिखा हुआ सबका एक हफ्ता पहले की गजल है, गजल का मतला समाज फरमाए। कि कब से है दिल फिगार बहुत देर हो गई, कब से है दिल फिगार बहुत देर हो गई, मरहम का इंतजार बहुत देर हो गई, मरहम का इंतजार बहुत देर हो गई। कब से है दिल फिगार बहुत देर हो गई, मरहम का इंतजार बहुत देर हो गई। और शेरज क्या है यार बहुत देर हो गई, और शेरज क्या है कि हो जाए ला इलाज न मेरा मरज कहीं, हो जाए ला इलाज न मेरा मरज कहीं, रब को मेरे पुकार बहुत देर हो गई, रब को मेरे पुकार बहुत देर हो गई। और शेर अर्ज है कि अब तक सफ़र से लौटा मुसाफिर कोई नहीं, अब तक सफ़र से लौटा मुसाफिर कोई नहीं, बारिश है मूसलाधार बहुत देर हो गई, बारिश है मूसलाधार बहुत देर हो गई, बैठा रहा मैं कब से तेरे इंतज़ार में, बैठा रहा मैं कब से तेरे इंतज़ार में, क्या चुभ गया था खार बहुत देर हो गई, क्या चुभ गया था खार बहुत देर हो गई। और आखिरी शेर है कि कैसे सफ़र करेगा मुकम्मल वो आखिरस, कैसे सफ़र करेगा मुकम्मल वो आखिरस, हर गाम रेगजार बहुत देर हो गई, हर गाम रेगजार बहुत देर हो गई। अब मक्ता का शेर है
कि आतिश नवा है तन में मची खलबली सी है, आतिश नवा है तन में मची खलबली सी है, कैसे भी सब गुजार बहुत देर हो गई, कब से है दिल फिगार बहुत देर हो गई, मरहम का इंतजार बहुत देर हो गई। नीरज सिंह फौजिया अख्तर रहमत सिन्हया साहब, सबका बहुत बहुत शुक्रिया। कितना टाइम हो गया जी, पढ़े ना गजल का मतलब समाप्त फरमाए कि जाने कब से रह रही है चार दीवारी में बंद, जाने कब से रह रही है चार दीवारी में बंद, क्या कहूँ मैं जिंदगी है चार दीवारी में बंद, क्या कहूँ मैं जिंदगी है चार दीवारी में बंद, जाने कब से रह रही है चार दीवारी में बंद, क्या कहूँ मैं जिंदगी है चार दीवारी में बंद। शेर रच किया है कि बाहरी आबो हवा से आस ना हो किस तरह, बाहरी आबो हवा से आस ना हो किस तरह, जिंदगी की हर खुशी है चार दीवारी में बंद, जिंदगी की हर खुशी है चार दीवारी में बंद, बाहरी आबो हवा से आस ना हो किस तरह, जिंदगी की हर खुशी है चार दीवारी में बंद। और शेरज किया है कि क्या करूं तदबीर अपने पास लाने की उसे, क्या करूं तदबीर अपने पास लाने की उसे, सुबह रहना चाहती है चार दीवारी में बंद, सुबह रहना चाहती है चार दीवारी में बंद, क्या करूं तदबीर अपने पास लाने की उसे, सुबह रहना चाहती है चार दीवारी में बंद। लाशेर है कि किस तरह कलियां चटकती बाग की अंगनाई में, किस तरह कलियां चटकती बाग की अंगनाई में, जब गुलाबी रोशनी है चार दीवारी में बंद, जब गुलाबी रोशनी है चार दीवारी में बंद, किस तरह कलियां चटकती बाग की अंगनाई में, जब गुलाबी रोशनी है चार दीवारी में बंद। लाशेर है कि हर तरफ कोहसार जुल्मत का दिखाई क्यों न दे, हर तरफ कोहसार जुल्मत का दिखाई क्यों न दे, मुद्दतों से चांदनी है चार दीवारी में बंद, मुद्दतों से चांदनी है चार दीवारी में बंद, हर तरफ कोहसार जुल्मत का दिखाई क्यों न दे, मुद्दतों से चांदनी है चार दीवारी में बंद। शेरज क्या है कि कैसे जीने का निकालूं रास्ता कोई नया, कैसे जीने का निकालूं रास्ता कोई नया, अक्ल की कुंजी पड़ी है चार दीवारी में बंद, अक्ल की कुंजी पड़ी है चार दीवारी में बंद, कैसे जीने का निकालूं रास्ता कोई नया,
अकल की कुंजी पड़ी है चार दीवारी में बंद, ये लपक वरना पहुंच जाती जमी से बाम तक, ये लपक वरना पहुंच जाती जमी से बाम तक, मेरे दिल की सोलगी है चार दीवारी में बंद, मेरे दिल की सोलगी है चार दीवारी में बंद, और देखना होगा तनज्जुल का ही तुझको रास्ता, देखना होगा तनज्जुल का ही तुझको रास्ता, जब सवूरो आग ही है चार दीवारी में बंद, जब सवूरो आग ही है चार दीवारी में बंद, जाने कब से रह रही है चार दीवारी में बंद, क्या कहूँ मैं जिंदगी है चार दीवारी में बंद। जुनैद आलम, आरवी साहब, आफताब अख्तर साहब, नीरज सिंह, खुर्शीद सेहर, फौजिया अख्तर, तारिक रसूल, तमाम हजरात का बहुत बहुत शुक्रिया। नवाजिश गज़ल का मतलब पेश खिदमत है कि बहारे दिल नशी का जिस्म जहाँ बीमार लगता है, बहारे दिल नशी का जिस्म जहाँ बीमार लगता है, कली बीमार हो तो गुलशिता बीमार लगता है, कली बीमार हो तो गुलशिता बीमार लगता है। और शेर अर्ज है कि बिसाते सुबह पर भी रोशनाई गिर पड़ी है क्या, बिसाते सुबह पर भी रोशनाई गिर पड़ी है क्या, मेरी आँखों को क्यों रंगी समा बीमार लगता है, मेरी आँखों को क्यों रंगी समा बीमार लगता है, बिसाते सुबह पर भी रोशनाई गिर पड़ी है क्या, मेरी आँखों को क्यों रंगी समा बीमार लगता है। और शेरज है कि सुलगती धूप की कालीन पर सोता तो है लेकिन, सुलगती धूप की कालीन पर सोता तो है लेकिन, कहाँ चेहरे से मेरा मेहरबान बीमार लगता है, कहाँ चेहरे से मेरा मेहरबान बीमार लगता है, सुलगती धूप की कालीन पर सोता तो है लेकिन, कहाँ चेहरे से मेरा मेहरबान बीमार लगता है। शेरज किया है कि ताल्लुक की कोई तमसील इससे बढ़ के क्या होगी, ताल्लुक की कोई तमसील इससे बढ़ के क्या होगी, जमी बेरंग हो तो आसमां बीमार लगता है, जमी बेरंग हो तो आसमां बीमार लगता है, ताल्लुक की कोई तमसील इससे बढ़ के क्या होगी, जमी बेरंग हो तो आसमां बीमार लगता है। और शेर है कि न जाने कौन से सदमात के पत्थर गिरे उस पर, न जाने कौन से सदमात के पत्थर गिरे उस पर, चमकते शहर का एक एक मकान बीमार लगता है, चमकते शहर का एक एक मकान बीमार लगता है, न जाने कौन से सदमात के पत्थर गिरे उस पर, चमकते शहर का एक एक मकान बीमार लगता है। अगला शेर है कि ये कैसा शबनमी मौसम लिए सौगात आया है, ये कैसा शबनमी मौसम लिए सौगात आया है, चमन में तितलियों का कारवां बीमार लगता है, चमन में तितलियों का कारवां बीमार लगता है,
ये कैसा सब नमी मौसम लिए सौगात आया है, चमन में तितलियों का कारवां बीमार लगता है। आखिरी शेर है कि घनी सांप की चादर तनी है उसके चेहरे पर, घनेरी शाम की चादर तनी है उसके चेहरे पर, कई दिन से चरागे जौफ सांप बीमार लगता है, कई दिन से चरागे जौफ सांप बीमार लगता है, घनेरी शाम की चादर तनी है उसके चेहरे पर, कई दिन से चरागे जौफ सांप बीमार लगता है। अब मक्ता का शेर है कि अंधेरी रात का आंगन मुनव्वर कैसे हो आतिश, अंधेरी रात का आंगन मुनव्वर कैसे हो आतिश, बहारे रोशनी का कारवां बीमार लगता है, बहारे रोशनी का कारवां बीमार लगता है, बहारे दिल नशी का जिस्म जहां बीमार लगता है, कली बीमार हो तो गुलशिता बीमार लगता है। मुस्तहसन अजम साहब साबरा खातून साहब मसल्ला नसर शुक्रिया अदा की, इन तमाम लोगों की बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे लिए आप लोग दुआ करें, अपनी मरज से छुटकारा पा लूं। कुछ और सुनाइए, दो तीन गजलें और सुनाइए। कट गया इसे कहा है। गजल का मतला समाध फरमाए। ढूंढ रहे हो क्या मेरी गमनाकी के अफसाने, ढूंढ रहे हो क्या मेरी गमनाकी के अफसाने, बिखरे पड़े हैं मौसम की सब फाकी के अफसाने, बिखरे पड़े हैं मौसम की सब फाकी के अफसाने, ढूंढ रहे हो क्या मेरी गमनाकी के अफसाने, बिखरे पड़े हैं मौसम की सब फाकी के अफसाने। शेरज क्या है कि इतने ही मक्कारी के गुल बूटे तूने खिलाए, इतने ही मक्कारी के गुल बूटे तूने खिलाए, कैसे भूले कोई तेरी चालाकी के अफसाने, कैसे भूले कोई तेरी चालाकी के अफसाने, कैसी कैसी आफत से टकराती है सुबह शाम, कैसी कैसी आफत से टकराती है सुबह शाम, तुम क्या जानो शबनम की बेबाकी के अफसाने, तुम क्या जानो शबनम की बेबाकी के अफसाने, कैसी कैसी आफत से टकराती है सुबह शाम, तुम क्या जानो शबनम की बेबाकी के अफसाने। शेरज क्या है एक तरह के होते नहीं जिसकी कोई पहचान करे, एक तरह के होते नहीं जिसकी कोई पहचान करे, रंग बिरंगे होते हैं अफलाकी के अफसाने, रंग बिरंगे होते हैं अफलाकी के अफसाने। आखिरी शेर है कि कैसे महक रहे हैं खुशबू जैसी गुलशन गुलशन, कैसे महक रहे हैं खुशबू जैसी गुलशन गुलशन, आज मेरी इन आँखों की गमनाकी के नमनाकी के अफसाने, आज मेरी इन आँखों की नमनाकी के अफसाने। और मक्ता है इतना करम क्या कम है अर्जु समा तक फैले हुए हैं,
इतना कर्म क्या कम है, अर्जो समा तक फैले हुए हैं। आतिश मेरे तखयुल की तैराकी के अफसाने, आतिश मेरे तखयुल की तैराकी के अफसाने। इतना कर्म क्या कम है, अर्जो समा तक फैले हुए हैं। आतिश मेरे तखयुल की तैराकी के अफसाने। ढूंढ रहे हो क्या मेरी गमनाकी के अफसाने। बिखरे पड़े हैं मौसम की सब फाकी के अफसाने। गजल का मतला समाध फरमाए। अब्र जब सीनाए आफाक पे लहराता है, अब्र जब सीनाए आफाक पे लहराता है, अश्क गम जहन के औराक पे लहराता है। अश्क गम जहन के औराक पे लहराता है। अशेर अर्ज किया है कि रुखे मुजरिम से टपकता हुआ ये रंग सुकून, रुखे मुजरिम से टपकता हुआ ये रंग सुकून। हाकिमे वक्त के मीशाक पे लहराता है, हाकिमे वक्त के मीशाक पे लहराता है। और शेर अर्ज है कि इतनी हिम्मत भी कहाँ है किसी उनसो जिन में, इतनी हिम्मत भी कहाँ है किसी उनसो जिन में। एक शोरीदा ही चकमाक पे लहराता है, एक शोरीदा ही चकमाक पे लहराता है। अब मेरा ही दर्द अलम रंग सफक बनकर क्या, मेरा ही दर्द अलम रंग सफक बनकर क्या। शाम होती है तो हर ताक पे लहराता है, शाम होती है तो हर ताक पे लहराता है। और शेर अर्ज किया है कि मुझ में बर्दाश्त की कुव्वत नहीं बाकी रहती, मुझ में बर्दाश्त की कुव्वत नहीं बाकी रहती। दाग जब दामने इखलाक पे लहराता है, दाग जब दामने इखलाक पे लहराता है। और शेर अर्ज किया है कि जब कोई शेर का मफहूम निकलता ही नहीं, जब कोई शेर का मफहूम निकलता ही नहीं, फिर वो क्यों लफ्ज के अगलाक पे लहराता है, फिर वो क्यों लफ्ज के अगलाक पे लहराता है। और आखिरी शेर है कि मौसम गुल में भी अंगड़ाई नहीं ले सकता, मौसम गुल में भी अंगड़ाई नहीं ले सकता। नखल गुल मर्जिए खल्लाक पे लहराता है, नखल गुल मर्जिए खल्लाक पे लहराता है। और मकता है कि चांदनी सब के तजस्सुस में सरे शाम आतिश, चांदनी सब के तजस्सुस में सरे शाम आतिश। एक दिया दीदए मुश्ताक पे लहराता है, एक दिया दीदए मुश्ताक पे लहराता है। अब्र जब सीनाए आफाक पे लहराता है, अश्क गम जहन के औराक पे लहराता है। इम्तियाज की फरमाइश पर एक गजल और है। कौन सही बोल रहा है? किसने खैची मंजरों पर बदहवासी की लकीर, किसने खैची मंजरों पर बदहवासी की लकीर। हर तरफ छाने लगी गहरी उदासी की लकीर, हर तरफ छाने लगी गहरी उदासी की लकीर। और शेर अर्ज किया है कि लफ्ज बनकर आसमां पर एक दिन होगी आया, लफ्ज बनकर आसमां पर एक दिन होगी आया। जा रहा हूँ छोड़कर मैं
खुद शनासी की लकीर, जा रहा हूँ छोड़ कर मैं खुद शनासी की लकीर। तो शेरज किया है कि अपने अपने कासे में सब आब लेकर जा चुके, अपने अपने कासे में सब आब लेकर जा चुके, कौन पढ़ता है लबों से एक प्यासी की लकीर, कौन पढ़ता है लबों से एक प्यासी की लकीर। और शेर है कि इन दिनों रहमो करम है मौसम बारां का क्या, इन दिनों रहमो करम है मौसम बारां का क्या, फैलती ही जा रही है बदक्यासी की लकीर, फैलती ही जा रही है बदक्यासी की लकीर, इन दिनों रहमो करम है मौसम बारां का क्या, फैलती ही जा रही है बदक्यासी की लकीर। और आखिरी शेर है कि अपनी किस्मत में सफ़र का आबुदाना साथ है, अपनी किस्मत में सफ़र का आबुदाना साथ है, घर से लेकर हम चले रखते एहसासी की लकीर, घर से लेकर हम चले रखते एहसासी की लकीर। अब मकता है कि अहदे नौ के सफ़ है किरतास पर कुर्बान, अब अहदे नौ के सफ़ है किरतास पर कुर्बान, अब उग गई हर सिमत एक शख्स सियासी की लकीर, उग गई हर सिमत एक शख्स सियासी की लकीर, अहदे नौ के सफ़ है किरतास पर कुर्बान, अब उग गई हर सिमत एक शख्स सियासी की लकीर, किसने खींची मंजरों पर बदहवासी की लकीर, हर तरफ छाने लगी गहरी उदासी की लकीर। बुलंद इकबाल साहब, शराफत अंसारी साहब और तमाम दोस्तों का शुक्रिया जिनका मैं नाम नहीं पढ़ सका। सुनाइए इरशाद, तबीयत ठीक है ना? सुनाइए एक आध तो सुना देते हैं बस खत्म को। जब से मतलब अशेष समाज फरमाए कि जब से होश संभाला मैंने दुख का एक संसार मिला, जब से होश संभाला मैंने दुख का एक संसार मिला, कब मेरे जलते जीवन में सजर भी सायादार मिला, कब मेरे जलते जीवन में सजर भी सायादार मिला, जब से होश संभाला मैंने दुख का एक संसार मिला, कब मेरे जलते जीवन में सजर भी सायादार मिला। और सिरज किया है ये क्या मेरी किस्मत में लिखा है, क्या मेरी किस्मत में लिखा है मौसम का इनाम यही, मिला भी पहली बार मुझे तो फूल भी कांटेदार मिला, मिला भी पहली बार मुझे तो फूल भी कांटेदार मिला, कितनी फरहत बख्श फिजा थी मेरी आँखों की खातिर, कितनी फरहत बख्श फिजा थी मेरी आँखों की खातिर, तारीकी के सहरा में भी परियों का बाजार मिला, तारीकी के सहरा में भी परियों का बाजार मिला, आए भी तो क्या आए हम शहर से अपनी बस्ती में,
आए भी तो क्या आए हम शहर से अपनी बस्ती में, टूटे फूटे घर सारे और लाशों का अंबार मिला, टूटे फूटे घर सारे और लाशों का अंबार मिला। और आखिरी शेर है कि मेरी आंख से मोती गिरने लगा था झरझर दामन में, मेरी आंख से मोती गिरने लगा था झरझर दामन में, कितनी गम अंगेज फिजा थी सुबह का जब अखबार मिला, कितनी गम अंगेज फिजा थी सुबह का जब अखबार मिला। जब से होश संभाला मैंने दुख का एक संसार मिला, कब मेरे जलते जीवन में शजर बिछाया दार मिला। बस करो, सबका शुक्रिया अदा कर दीजिए, दुआ के लिए करिए। तमाम हाजिरीन का बहुत बहुत शुक्रिया, और मेरी सेहत के लिए तमाम लोग दुआ कीजिए कि मैं सेहत याब हो जाऊं। और क्या, सब बखैर।